आज का विचार 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज। 107.8 FM हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज पर आज का विचार। हर किसी चीज का एक निर्धारित समय होता है। जो हमें चाहिए होता है वो हमें तय समय पर ही मिल जाता है। चलिए एक कहानी के जरिए समझते हैं। एक समय की बात है जब जंगल के पास दो राजाओं के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में एक की जीत और दूसरे की हार हुई। युद्ध खत्म होने के बाद तेज आंधी चली, जिस कारण युद्ध के दौरान बजाया जाने वाला ढोल लुढ़क कर जंगल में चला जाता है और एक पेड़ से जाकर अटक जाता है। जब भी तेज हवा चलती और पेड़ की टहनी ढोल पर पड़ती तो ढोल ढमाढम करके आवाज में बजने लगता। उसी जंगल में एक सियार खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और अचानक उसकी नजर गाजर खा रहे खरगोश पर पड़ती है। सियार उसे शिकार बनाने के लिए सावधानी से आगे बढ़ता है। जब वह खरगोश पर झपट्टा मारता है तो खरगोश उसके मुंह में गाजर को फंसाकर भाग जाता है। किसी तरह से सियार गाजर को मुंह से बाहर निकालकर आगे बढ़ता है तो उसे ढोल की तेज आवाज सुनाई देती है। वह ढोल की आवाज सुनकर घबरा जाता है और सोचने लगता है कि उसने कभी पहले किसी जानवर की ऐसी आवाज नहीं सुनी। जहां से ढोल की आवाज आ रही थी सियार उसी ओर जाता है और यह जानने की कोशिश करता है कि यह कौन सा जानवर है, उड़ने वाला है या चलने वाला है। फिर वह ढोल के पास जाता है और उस पर हमला करने के लिए कूदता है और ढोल से ढम की आवाज आती है, जिसे सुनकर सियार छलांग लगाकर उतर जाता है और पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगता है। कुछ मिनट बाद किसी तरह की प्रतिक्रिया न होने पर वह फिर से ढोल पर हमला करता है और फिर से ढम की आवाज होती है। वह फिर से ढोल से कूदकर भागने लगता है, लेकिन इस बार वहीं पर रुककर मुड़कर देखता है। ढोल में किसी भी तरह की हलचल न होने पर वह समझ जाता है कि यह कोई जानवर नहीं है। फिर वह ढोल पर कूद कूद कर ढोल बजाने लगता है। इससे ढोल हिलने लगता है और लुढ़कने भी लगता है, जिससे सियार ढोल से गिर जाता है और ढोल बीच में से फट जाता है। ढोल के फटने पर उसमें से विभिन्न तरह के स्वादिष्ट भोजन निकलते हैं, जिसे खाकर सियार अपनी भूख शांत करता है। इसीलिए कहते हैं, समय हर किसी का आता है, लेकिन समय पर ही आता है। सुनते रहिए हिमगिरी की आवाज, आपकी अपनी आवाज।